इसी बीच आपको बता दें, अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। पेट्रोल टैंकर में टक्कर के बाद आग लगी है और इस हादसे में चार लोगों की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई है। NH-8 पर आदर्श नगर थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अजमेर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है और इस हादसे की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जैसे ही दमकल विभाग को इस संबंध में सूचना दी गई, दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और जो दोनों टैंकर में आग लगी हुई थी, मौके पर जाकर आग को बुझाने का प्रयास किया गया। लेकिन इसी बीच सबसे ज़्यादा हैरान कर देने वाली खबर यहां पर यह है कि इस हादसे में चार लोगों की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई है। जैसे ही जो आसपास से गुजरने वाले वाहन हैं वहां पर रुक रुक कर इस हैरत अंगेज तस्वीर को देख रहे थे। वहां पर लोगों का बड़ी संख्या में जमावड़ा भी लग गया था। तो पेट्रोल टैंकर में टक्कर के बाद यह आग लगी है। इस हादसे में चार लोगों की झुलसकर मौत हो गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिनेश गहलोत जुड़ गए हैं अजमेर से। दिनेश गहलोत, फिलहाल क्या स्थिति आप देख पा रहे हैं? जी सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो अजमेर हाईवे है, अजमेर ब्यावर हाईवे है जी, यहाँ पर दो ट्रेलर जो हैं आपस में भिड़ गए थे, जो आमने सामने एक ट्रेलर को ड्राइवर को नींद आने से वह दूसरी तरफ चला गया, जिससे ये भीषण हादसा हुआ, जिसके अंदर चार जो थे वो जिंदा जल गए और एक बच्चा जो है उसने कूद के अपनी जान बचाई। दिनेश, आपसे जानना चाहते हैं, क्या मौके पर ही झुलसकर उनकी मौत हो गई थी या फिर प्रथम दृष्टया के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया था? मौके पर ही झुलस के मौत हो गई थी। चलिए दिनेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इस हादसे में, इस भीषण और दर्दनाक हादसे में चार लोगों की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। इसी बीच आपको